पाइप मैन्युफैक्चर मेन इंडस्ट्रीज के शेयर में 28 जून को 7% तक की तेजी देखी गई, हालांकि बाद में बढ़त कम हो गई। ब्रोकरेज फर्म एमके ने शेयर के लिए कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज ने बाय रेटिंग के साथ 500 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। यह 28 जून को शेयर के बंद भाव से 21% ज्यादा है। बीएसई पर मेन इंडस्ट्री का शेयर सुबह बढ़त के साथ 408.90 रुपए पर खुला। दिन में ये पिछले बंद भाव से 7% तक चढ़ा और 422.95 रुपए के हाई तक पहुंच गया। कारोबार खत्म होने पर शेयर करीब 5% की बढ़त के साथ 413.10 रुपए पर सेटल हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 2,600 करोड़ रुपए है। एमके ने अपने नोट में लिखा है कि बेहतर बिजनेस फंडामेंटल्स और कंपनी की ओर से पहले से घोषित विस्तार योजनाओं के एग्जीक्यूशन के कारण स्टॉक की कीमत हाल ही में दोगुनी हो गई है। पिछले 12 महीनों में मेन इंडस्ट्रीज के शेयरों में लगभग 162% की वृद्धि हुई है। मेन इंडस्ट्रीज लार्ज कैप डायमीटर वाले कार्बन स्टील पाइप की मैन्युफैक्चरिंग और कोटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी और ट्रेडिंग में शामिल है। एमके के मुताबिक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के चलते अगले 3 से 4 वर्षों में समूह का रेवेन्यू दोगुना हो सकता है। एमके का मानना है कि मेन इंडस्ट्रीज ने क्षमता दिखाने से लेकर उस क्षमता को डिलीवर करने तक जो ट्रांजिशन किया है, वह आगे चलकर शेयरधारकों के लिए मीनिंगफुल वैल्यू पैदा कर सकता है।